गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकुल यादव एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया था और कल मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी बताई थी, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बताया था कि थ्योरेटिकली अगर हम मैक्सिमा मिनिमा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो इनिशियली आपको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लगता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ओके। तो वहाँ से कल भी मैंने आपको एक प्रॉब्लम करवाई थी बोर्ड पर, आज कुछ और प्रॉब्लम देखने वाले हैं जहाँ पे हमको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन टू यू एज एक्स के माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव अटेन्स ए मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू, ओके। तो कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव, आपको बताना क्या है कि ये मिनिमम वैल्यू किस मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, आपको दिया हुआ है क्या है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो आपको क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है एक्स के माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव, ओके। आपको सबसे पहले करना है इसका एक बार डिफरेंशिएशन, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपको पता है dy by dx is equal to, ये आपका हो जाएगा क्या f dash x डिफरेंशिएशन ऑफ x square, तो अगर ये आप डिफरेंशिएशन ऑफ x square करेंगे तो पावर तो आपकी आ जाएगी आगे, और पावर में से एक रिड्यूस कर देंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा क्या 2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 6x, डिफरेंशिएशन ऑफ 6x अगर आप करेंगे तो x की पावर 1 है आपकी, ठीक है। तो आपको पता है x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो 6 तो मैं आउटसाइड ले लूंगा, ये आपका जाता है 1 into x की पावर 0, ठीक है। 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, कांस्टेंट टर्म है तो डिफरेंशिएशन इसका 0 आएगा, ओके। सो dy by dx मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपका आएगा क्या 2x minus 6, ओके। अब आपको बताना है कि मिनिमा और मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको एक्चुअली, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जहां पे स्लोप जीरो होता है, अगर मैं पुट कर दूं dy by dx is equal to zero, that means slope is equal to zero, तो वहां पे आपका मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर मैक्सिमा मिनिमा dy by dx मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्लोप आपका जीरो होना चाहिए dy by dx में, dy by dx आपका स्लोप ही बताता है, तो ये क्या होना चाहिए आपका जीरो होना चाहिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये मैं लिख सकता हूँ क्या 2x minus 6 is equal to 0 और x is equal to 3, तो आपका एक पॉइंट आया है ऐसा x is equal to 3 जहां पे आपका जो dy by dx है यानी कि जो स्लोप है उस पॉइंट के ऊपर जीरो है, ओके okay, और वो पॉइंट कौन सा है आपका x इक्वल टू 3। अब इस पॉइंट के ऊपर मिनिमा भी एग्जिस्ट कर सकता है, मैक्सिमा भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो टू चेक वेदर एट x इक्वल टू 3 मिनिमा और मैक्सिमा इज देयर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डबल डिफरेंशिएशन, ओके। तो अपन यहां पे डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट करने वाले हैं, तो सेकंड डिफरेंशिएशन टेस्ट और डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट, डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट। तो आपको करना क्या है, जो भी आपका जो y आया है dy by dx उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है dy dx ऑफ इस 2x minus 6, एक बार तो हमने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर चुके हैं y का, ठीक है। दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको 2x minus 6 का ही डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आपका क्या आएगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 6 का क्या आ जाएगा 0, तो यहां पे आपने डबल डिफरेंशिएशन किया तो आपकी क्या वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई, ठीक है। अगर डबल डिफरेंशिएशन आपका ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या है मेरा ग्रेटर देन जीरो, अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो है तो दैट मींस मिनिमा विल बी देयर, मिनिमा एग्जिस्ट। अगर आपका ये सपोज कर लो कि माइनस फोर आ जाता है, यहाँ पे माइनस फोर आ जाता तो आप बोलते कि ये लेस देन जीरो है, तो वहां पे क्या होता है मैक्सिमा होता, तो आपको पता चल गया कि एट एक्स इज इक्वल टू 3 जो डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है वो आपका आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा आपका मिनिमा आएगा, ओके। सो एट एक्स इज इक्वल टू 3
minima will be there. तो आपको निकालना भी यही था कि मिनिमा अटेंस मिनिमम वैल्यू एट, तो आपको मिनिमम वैल्यू ही निकालनी थी। तो वो कहां पे एग्जिस्ट करेगी, वो आपके एग्जिस्ट करेगी एट x इक्वल टू 3 पे। तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ओके, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको सीधा कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसका भले एक बार आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो भी आप उसका डिफरेंशिएशन आया है वहां उसको आप जीरो की इक्वल इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी वैल्यू आएंगी एक्स की, वो आप वहां उन सभी वैल्यूज के ऊपर मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। ओके, सो टू चेक वेदर एट दोज पॉइंट्स मिनिमा और मैक्सिमा इज देयर, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू द डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट। तो आपको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है डीवाई को, ठीक है। तो वो वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आती है तो आपका होगा वहां पे मिनिमा, अगर आपकी आती है नेगेटिव तो आपका होगा क्या, मैक्सिमा। ओके, सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। अभी एक और प्रॉब्लम देखने वाले हैं। आपका दिया हुआ है कि आपको एक वैल्यू दी हुई है, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू, काफी सिंपल सी प्रॉब्लम है, सीकेंट स्केयर एक्स माइनस टेन स्केयर एक्स माइनस एक्स स्केयर। यह आपको दिया हुआ है फंक्शन, कोई भी सीकेंट स्केयर एक्स माइनस टेन स्केयर एक्स माने हेक्स स्केयर हैज मैक्सिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू ही सपोज कर लो कि आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो वो पॉइंट निकालना है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे आपको फंक्शन पता है कि फंक्शन आपको दे दिया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया हुआ है secant square x, secant square x प्लस सॉरी माइनस tan square x माइनस x square। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो secant square x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे फिर tan square x का, तो वो तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा, secant x tan x tan x। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है कि हमको फंक्शन को सॉल्व करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे secant square x minus tan square x, तो ये आपको ऑलरेडी पता है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज दैट secant square x minus tan square x ये किसके इक्वल होता है, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो मैं इसके बाद जो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे फंक्शन में, ठीक है, तो इसी फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन इजीली कर पाएंगे और मैक्सिमम मिनिमा भी बता पाएंगे, ठीक है। तो dy बाई dx में निकाल देता हूँ इसका, dy बाई dx क्या हो गया आपका, dy बाई dx आपका हो गया क्या, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका आता है 2x। तो dy by dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई क्या, माइनस ऑफ 2x। फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा उसके लिए हम क्या करते हैं, dy by dx को इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल। तो यहां पे अगर आप 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे माइनस 2x को, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी क्या, 0। तो इसका मतलब जहां पे x इक्वल टू 0 होगा वहीं पे हमारा स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस वैल्यू पे मिनिमा भी हो सकता है और मैक्सिमा भी हो सकता है, तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा। ओके, सो उसके लिए क्या करेंगे, हम डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट करेंगे। क्योंकि यहां पे आप मिनिमा भी एग्जिस्ट कर सकता है और मैक्सिमा भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो टू चेक वेदर मिनिमा इज देयर और मैक्सिमा इज देयर we have to check it by double differentiation। तो एक बार differentiation किया तो आपका क्या आया है, dy by dx आया आपका क्या, minus 2x, ये आया ना आपका। तो double differentiate इसको करेंगे तो that means d2y by dx square is equal to dy dx of
माइनस ऑफ टू एच। ओके तो ये आपका आ जाएगा क्या, माइनस ऑफ टू। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस टू आया है जो कि किससे छोटा है, लेस देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है कि ये वैल्यू, तो आपका आता है मिनिमा। इसका मतलब ये लेस देन जीरो आया तो क्या एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट एट कहां पे, x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन अपनी क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। आपको क्या पूछा है, अगर आपको पूछ लेता है मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू, तो आप बोल देते आपका आंसर हो जाता जीरो। यहां पे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी किस पे, एट x इक्वल टू जीरो पे। ओके और मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको पता है कि एट x इक्वल टू जीरो इट गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप क्या करेंगे फंक्शन में x इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो f ऑफ जीरो कितना हो जाएगा आपका। तो यहां से आपका जो फंक्शन फाइनली आया है ये आ गया है 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है तो ये मैंने कर दिया क्या 1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 1। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आपकी आई है वो क्या आई है आपका 1। तो ये होगा आपका क्या आंसर। ओके तो बड़ा ही सिंपल सा था। अगर आपको पूछ लेता कि मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स, जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम में हमने पूछा था कि किस वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर ये मैक्सिमम देगा, तो हमने वहां पे तो एक्स की वैल्यू निकाली थी, तो आपका आंसर जैसे एक्स की वैल्यू पूछता तो आप बोलते क्या जीरो है। आपको क्या पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, तो इस फंक्शन की ही मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो पूछा है आपको। ठीक है तो आपको पता चला कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम देगा, तो एक्स की जगह मैं जीरो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एक्स की जगह मैं जीरो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये आपकी आ जाएगी 1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके अभी एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं इससे रिलेटेड।